हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आज इस वीडियो में हम घर खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप रेंट के घर में रहते हैं तो आपको कई तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो आप बार बार की शिफ्टिंग से परेशान हो जाते हैं। कोई नया सामान खरीदने से पहले 10 बार ये सोचते हैं कि घर शिफ्ट करते वक्त उसे दूसरी जगह ले जाने में दिक्कत तो नहीं होगी। यकीन मानिए, हर बार आपको लगता है काश छोटा ही सही अपना घर होता तो इन झंझटों से मुक्ति मिल जाती। सच्चाई भी यही है कि हर कोई अपने सपनों का आशियाना खरीदना चाहता है, लेकिन बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम है कि वो अपना मकान कैसे खरीद सकते हैं और खरीदते समय उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपना मकान खरीदने के लिए बजट, लोकेशन, मकान का साइज, इंटीरियर, ऑफिस की दूरी, ज़मीन की वैधता, ज़रूरी दस्तावेज, एरिया के विकास की संभावनाओं जैसे कई पहलुओं को ध्यान में रखना होता है। ऐसे में घर खरीदते समय किसी भी तरह की जल्दबाजी और लुभावने ऑफर्स के प्रभाव में आकर गलत डिसीजन लेने की बजाय सोच समझकर अपने सपनों के घर की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। ऐसे में घर खरीदने से जुड़ी जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। आइए आज इस वीडियो में जानते हैं कि घर खरीदते समय आपको किन ज़रूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो तय करें बजट। आप किसी से भी पूछ के देख लीजिए कि मुझे एक मकान खरीदना है, कैसा और कहाँ खरीदूँ। वो जवाब देंगे कि बजाय आपसे पूछेगा आपका बजट क्या है। मकान खरीदने के लिए सबसे ज़रूरी है अपना बजट तय करना, बाकी चीज़ें इसके बाद आती है। अगर आप मुंबई में हैं और 3 कमरों का फ्लैट खरीदना चाहते हैं और अगर आपका बजट है 50 लाख रुपए, तो ऐसा भी मुमकिन नहीं हो सकेगा। इसलिए अपने पॉकेट को टटोलने के बाद ही आप घर के साइज़, लोकेशन और बाकी चीज़ों के बारे में तय करें। आप अगर हर महीने 50,000 रुपये कमाते हैं तो बैंक से आपको 30 से 45 लाख रुपए तक का लोन बड़ी आसानी से मिल सकता है। यह ध्यान इस बात का रखना है कि अगर आप सीरियसली मकान खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो लोन को पहले से अप्रूव करा के रखें। इससे आप अच्छे से नेगोशिएट कर पाएंगे, इससे अच्छी डील मिलने की संभावना रहती है। दूसरा है कि समझदारी से करें लोकेशन का चुनाव। मकान का लोकेशन कई चीज़ों पर निर्भर करता है। अगर आप पहली बार घर खरीदना चाह रहे हैं तो आपको इस बात को ध्यान में रखिए कि वो आपके वर्क प्लेस से कितनी दूरी पर है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से घर खरीदना चाहते हैं तो आपको डेवलपिंग एरिया में घर खरीदना चाहिए। आपको ऐसे लोकेशन पर घर खरीदना चाहिए जहां आने वाले समय पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने की संभावना हो। लोकेशन की पहचान करने के बाद आपको बिल्डर को चुनते समय काफ़ी सतर्कता बरतनी चाहिए। आपको उसके ट्रैक रिकॉर्ड को जांचना और परखना चाहिए, उसके पुराने प्रोजेक्ट को विजिट करना चाहिए। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर के बिंदु को भी नज़रअंदाज करके नहीं चला जा सकता। आपको ऐसी जगह पर मकान लेना चाहिए जहां रात हो या दिन आपके परिवार के सदस्य बिना किसी डर के घूम सके। तीसरा पॉइंट है कि कनेक्टिविटी। लोकेशन के बाद ये देखना चाहिए कि प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी कैसी है, आपके ऑफिस जाने के लिए क्या साधन मौजूद हैं, साथ ही सुपरमार्केट, सब्जी मार्केट, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बस स्टैंड कितनी दूरी पर है। इसके अलावा आपको फ्यूचरिस्टिक तरीके से भी सोचने की ज़रूरत होगी। मसलन इस बात पर गौर करना होगा कि प्रोजेक्ट से स्कूल, कॉलेज या हॉस्पिटल कितनी दूरी पे है। चौथा पॉइंट है डिज़ाइन एरिया। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखने के बाद आपको प्रोजेक्ट और फ्लैट के डिज़ाइन के बारे में सोचना चाहिए। फ्लोर एरिया के साथ कारपेट एरिया पर भी ध्यान देना चाहिए। इसके बाद आपको देखना होगा कि आपको ओपन किचन चाहिए या नहीं। फिर वही फ्लोरिंग, टाइल्स, वास्तु आदि पहलुओं पर गौर करने के बाद अपने सपनों के घर को चुनना चाहिए। पांचवा है एडवर्टीजमेंट से ज़्यादा इम्प्रेस होने से बचें। एडवर्टीजमेंट का प्रभाव हमारे दिमाग पर बहुत गहरा पड़ता है और जब घर से जुड़े लुभावने एडवर्टीजमेंट हम देखते हैं तो उनसे इम्प्रेस होकर घर खरीदने का निर्णय ले लेते हैं, जिसके चलते बाद में पछताना पड़ता है। बेहतर यही होगा कि एडवर्टीजमेंट या ऐसे ऑफर के प्रभाव में आने की बजाय उससे जुड़ी पूरी जांच करें और पता करें कि ये ऑफर मान्य भी है या नहीं।
ऑफर के मान्य होने की कंडीशन में छुपे हुए चार्जेस के बारे में भी पूरी जानकारी लें। बाद में है बैंक से होम लोन जरूर लें। बैंक लोन लेकर आप केवल घर खरीदने के लिए पैसे का इंतजाम ही नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसके ज़रिए आप घर से जुड़े प्रोजेक्ट की वफादारी का भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट के लिए लोन अप्रूव करने से पहले बैंक उस प्रोजेक्ट से जुड़ी सभी डॉक्यूमेंट्स की बारीकी से जांच करते हैं और ऐसा होने पर आपको उस प्रोजेक्ट के सही और गलत होने का पता चल जाता है। इसके अलावा आपको ये भी जांच लेना चाहिए कि उस होम प्रोजेक्ट को कितने बैंक अप्रूव कर रहे हैं, क्योंकि अगर चंद बैंक ही इस प्रोजेक्ट के लिए लोन दे रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है। बाद में है ज़रूरी दस्तावेज़ मांगने में झिझके नहीं। नोएडा जैसे कई शहरों में बहुत से प्रोजेक्ट अटके हुए हैं। इसका कारण मकान बनाने का अप्रूवल नहीं मिला है, जिसके कारण कोर्ट में केस पेंडिंग चलते रहते हैं। कई बार बिल्डर द्वारा अप्रूव मकानों से ज़्यादा मकान या फ्लोर बना दिए जाते हैं। ऐसे में बिल्डर से कंप्लीशन या ऑक्युपेसी सर्टिफिकेट मांगना चाहिए, क्योंकि ये दोनों सर्टिफिकेट नगर निगम द्वारा बिल्डर को दिए जाते हैं, जिनसे ये स्पष्ट हो जाता है कि इस बिल्डिंग का निर्माण सारे नियमों के अनुसार किया हुआ है। बाद में ज़मीन की वैधता का पता लगाएं। रियल इस्टेट सेक्टर के लिए ज़मीन की बढ़ती किल्लत के चलते न केवल दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में ही खेती की ज़मीन पर प्लॉटिंग की जा रही है, बल्कि अब तो छोटे शहरों में भी ऐसा होने लगा है। ऐसे में घर खरीदने से पहले उस ज़मीन पर किसका मालिकाना हक है ये जानना ज़रूरी है। इसके अलावा अचल संपत्ति के मामले में दो बातें ज़रूर जान लें कि ज़मीन पर ये मकान बने हैं तो वो किसके नाम है और उस पर किया गया निर्माण नियमों के अनुसार है या नहीं। और लास्ट में है बिल्डर या एजेंट पर नहीं, कागज़ों पर यकीन करिए। बहुत बार घर खरीदने के दौरान बिल्डर द्वारा तैयार किए गए बुकलेट और ब्रोशर के प्रभाव में आकर और एजेंट की लुभावनी बातों में उलझकर घर से जुड़ा सही निर्णय लेने से चूक हो जाती है। इससे बचने के लिए अथॉरिटी से अप्रूव किया गया लेआउट मैप देखें। सिर्फ इतना ही नहीं, उस प्रोजेक्ट लेआउट में मकानों की संख्या, ओपन स्पेस, ग्रीन स्पेस जैसी चीज़ों की पूरी जानकारी लें। खुद का घर बनाना किसी सपने को पूरा करने जैसा होता है। ऐसे में इस सपने को पूरा करने के लिए अगर आप सावधानी और पूरी जानकारी रखेंगे तो आपका ये सपनों का घर बहुत सारी खुशियाँ ही लेके आएगा। बस इसके लिए आपको सही चुनाव करने में थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि यह बात आपके सपनों के घर की है और इस घर को सपनों सा खूबसूरत बनाना तो आपके अपने हाथों में ही है। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए फायदेमंद भी साबित होगी। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। Thanks for watching.